छात्रों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम जो है शैवाल के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज हम चल रहे हैं ब्रायोफाइटा के बारे में चर्चा करने। आइए सबसे पहले चलते हैं ब्रायोफाइटा के संक्षिप्त इतिहास के बारे में, ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। नंबर वन आइए ब्राउन नामक वैज्ञानिक सर्वप्रथम 1864 में इन्होंने ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग किया। दूसरा जो है प्रोफेसर जो है एस आर कश्यप शिवराम कश्यप ने भारत में सर्वप्रथम ब्रायोफाइटा के अध्ययन में अपना योगदान दिया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक घोषणा को कहा जाता है। तीसरा हाफ मिस्टर इन्होंने 1851 में ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एक अंतर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का वर्णन किया। संक्षिप्त इतिहास में नंबर वन सर्वप्रथम ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1864 में ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग किया। दूसरा प्रोफेसर एस आर कश्यप पूरा नाम प्रोफेसर शिवराम कश्यप ने जो है भारत में सर्वप्रथम ब्रायोफाइटा के विकास एवं अध्ययन में अपना योगदान दिया, इसलिए इन्हें जो होता है शिवराम कश्यप को जो होता है भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी जो होता है कहा जाता है। तीसरा आइए हाफ मिस्टर इन्होंने 1851 में ब्रायोफाइटा में सर्वप्रथम पीढ़ी एकांतर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का वर्णन किया। नेक्स्ट आइए अब चलते हैं ब्रायोफाइटा के जो है सामान्य लक्षण या जनरल करेक्टर्स क्या हैं। सामान्य लक्षण जनरल करेक्टर्स ब्रायोफाइटा के क्या हैं। नंबर वन आइए ब्रायोफाइट जो होते हैं मुख्य रूप से स्थलीय होते हैं, अर्थात ये मुख्य रूप से नदीवाणु नामभूम छायादार स्थानों नदियों के किनारों एवं तालाबों के किनारों वृक्षों पर एवं चट्टानों पर पाए जाते हैं तथा कुछ जो है जल में पाए जाते हैं जलीय होते हैं। दूसरा इनमें वास्तविक जड़ तना एवं पत्ती का जो होता है अभाव होता है। तीसरा इनमें समान ऊतक का जो है अभाव होता है। चौथा इनमें जल के समान पतली पतली एवं सूत्रवत रचनाएं पाई जाती हैं जो भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करने का कार्य करती हैं जिन्हें मूलाभास या रायगढ़ कहते हैं। पांचवा ये स्थलीय होने के साथ ब्रायोफाइटा स्थलीय होने के साथ ही साथ छायादार स्थानों पर भी पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें जो होता है पादर जगत का उपहार जो है एम्फीबिया जो होता कहा जाता है। छठा जो है इनमें जो होता है इसमें मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट होता है। नेक्स्ट लाइन इनमें जननांग जो होता है बहुकोशीय होते हैं जिनके जिनमें जो है बहुकोशीय जिनमें बंद कोशिकाओं का जैकेट स्तर जो होता है चारों ओर पाया जाता है। आठवां जो है ये पर्णहरित होने के कारण जो होते हैं ये शोकोशी ऑटोट्रॉफिक होते हैं अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। नवां जो है इसमें युग्मकोद्भिद जो होता है ये स्वतंत्र शोकोशी एवं दीर्घजीवी होता है। नेक्स्ट इसमें जो है या इनमें नर जननांग जो वो गुणधानी एंथ्रीजियम यौन जो होता है मादा जननांग यौन मादा जननांग जो होता है स्त्रीधानी आर्थिक यूनियन जो है कहते हैं। नेक्स्ट लाइन इनमें गुणधानी में नरयुग्मक या कुमार एंथ्रोजॉयड्स यौन स्त्रीधानी में मादा युग्मक या अंडकोशिका इक्षेत्र जो होता है निर्माण होता है। नेक्स्ट जो है इस इमेज जो है नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन या निषेचन के पश्चात जो है निषेचन के पश्चात युग्मनर में जायगोट जो होता है बनता है जिससे भ्रूण का जो होता है विकास होता है। नेक्स्ट लाइन इनमें भ्रूण से बीजाणुभिद स्पोरोफाइट का विकास होता है। इनमें बीजाणुभिद जो है अल्पजीवी यौन युग्मकोद्भिद पर जो होता आश्रित होता है। नेक्स्ट लाइन इनमें जो है वर्धी एवं लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट लाइन इनमें वर्धी जनन विखंडन जेमा ट्यूबर उतंत यौन जो होता पत्र पर कलिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट इनमें बीजाणु भी जो है पाद सीता यौन संपूर्ण कैप्सूल में जो होता विभक्त होता है। नेक्स्ट लाइन इनमें बीजाणु भी के बीजाणु कोशिश कोष सैक में असूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु बनते हैं। नेक्स्ट इनमें बीजाणु कोश में बनने वाले सभी बीजाणु एक प्रकार के होते हैं जिसे हम सब बीजाणु अवस्था होमोस्पोरस कंडीशन जो होते कहते हैं। नेक्स्ट लाइन इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतर
अल्टरनेशन और जनरेशन जो उत्तर पाया जाता है। फिर समझिए ब्रायोफाइटा के समान के बारे में। नंबर वन जो है ये स्थलीय होते हैं, स्थलीय मुख्य रूप से स्थलीय होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये मुख्य रूप से नंदीवाणों, नंभों, छायादार स्थानों, नदियों, तालाबों के किनारों, वृक्षों पर एवं चट्टानों पर तथा पाए जाते हैं, तथा कुछ जो होते हैं जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें वास्तविक जड़ तना एवं पत्ते का जो होता है अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें समान उत्तर का जो होता है अभाव होता है। नेक्स्ट, इनमें जल के समान पतली पतली एवं सूत्रत रचनाएं पाई जाती हैं जो भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करने का कार्य करती हैं, जिन्हें मूलाभास डायजॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट, ये स्थलीय होने के साथ ही साथ छायादार स्थानों पर भी पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें पादप जगत का उपचर एम्फीबिया जो होता है वो कहा जाता है। नेक्स्ट, इसमें मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है। नेक्स्ट, इनमें जननांग बहुकोशिकीय होते हैं और जिनमें या जिनके चारों ओर बंद कोशिकाओं का बना जैकेट असर जैकेट लेयर ऑफ स्टेराइल सेल से जो होता पाया जाता है। नेक्स्ट, पर्णहरित या क्लोरोफिल के उपस्थित होने के कारण ये स्वकोशी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसमें मुख्य युग्मकोश भी स्वतंत्र स्वकोशी एवं दीर्घजीवी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नर जननांग को पौधानी एंथेलियम एवं मादा जननांग को स्त्रीधानी आर्गियोनियम कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें कुठानी में नर युग्मक या कोमल एंथेलियोइड्स एवं स्त्रीधानी में जो होता मादा युग्मक या अंडकोश का एक सेल का जो होता निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो है नर एवं मादा युग्मक के संयोजन यानी निषेचन के पश्चात युग्मनज प्रेकण में जायगोट बनता है जिससे भ्रूण का जो होता विकास होता है। नेक्स्ट, इनमें भ्रूण से बीजाणु भेद स्पोरोफाइट का जो होता विकास होता है। नेक्स्ट, इनमें बीजाणु भेद अवस्था जो है अल्पजीवी एवं युग्मकोश भेद पर जो है आश्रित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें वर्धी एवं लैंगिक जनन होता है, द्विजनन नहीं होता है, आलिंगन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें वर्धी जनन विखंडन जेमा ट्यूबर कुतंत्र एवं पत्र कलिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट, इनमें बीजाणु भेद पाद सीता एवं संपुट में जो होता है विभक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें बीजाणु भेद के बीजाणु कोश में असूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु बनते हैं। नेक्स्ट, इनमें बीजाणु कोश में बनने वाले सभी बीजाणु एक प्रकार के होते हैं जिसे संबीजाणु अवस्था होमोस्पोरस कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट, इनके जीवन चक्र में पीढ़ी अर्थात अल्टरनेशन और जनरेशन जो होता पाया जाता है। छात्रों, अब हम चलते हैं ब्रायोफाइटा के वास स्थान के बारे में चर्चा करने। प्राकृतिक वास स्थान कहाँ पर पाए जाते हैं और ध्यान दीजिएगा, हम इसके पहले आपको बता चुके हैं कि ये मुख्य रूप से ब्रायोफाइट जो होते हैं स्थलीय होते हैं, अर्थात नंदीवाण, नंदों, नदियों, तालाब के किनारों पर, छायादार स्थानों पर, वृक्षों पर, एवं चट्टानों पर जो होते पाए जाते हैं, तथा कुछ इनमें जले हुए होते हैं। फिर सुनिए, प्राकृतिक वास स्थान में मुख्य रूप से स्थलीय होते हैं, अर्थात नम दीवारों, नम भूम, नदियों, तालाब के किनारों पर, छायादार स्थानों पर, वृक्षों पर एवं नम चट्टानों पर पाए जाते हैं, तथा कुछ जो होते हैं इनमें जलीय होते हैं। नेक्स्ट आइए संरचना के बारे में। इनके संरचना के बारे में मैं आपको जननिक करैक्टर में बता चुका हूँ कि इनमें जो है प्रायोफाइटा में मुख्य पौधा जो होता है ये युग्मकोशिक गैमेटोफाइट होता है तथा ये हरे रंग का होता है। ये जो है प्रायः ये संरचना में एक कोशीय, आशाकीय या बहुकोशीय शाकीय होते हैं। इनके आधार पर मूलाभास राजवाहक होते हैं जो भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, इनमें उत्तर तंत्र विकसित होता तथा केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं अर्थात मृदोत्तर कोशिकाएं ही जो होती हैं पाई जाती हैं और इनमें संवहन ऊतक जो होता है उपस्थित होता है। नेक्स्ट, संरचना में कि इनमें ब्रायोफाइट्स में मुख्य पौधा युग्मकोश भी होता है,
तथा ये हरे रंग का होता है। ये जो है एक कोश के अशाखीय या बहुकोश के शाखीय होते हैं। इनके आधार पर मूलाभास यानी तने के यानी पौधे के आधार पर मूलाभास होते हैं जो भूमि से जल एवं खनिज और अवशोषित करने का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिए नेक्स्ट इनमें ऊतक तंत्र कम विकसित होता है तथा केवल ये ऊतक कोशिका के ही बने होते हैं। नेक्स्ट इनमें संवाहक ऊतक जो होता है अनुपस्थित होता है। आइए अब चलते हैं हम ब्रायोफाइटा में जनन रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट। ध्यान दीजिएगा ब्रायोफाइटा में जनन दो प्रकार का होता है वृद्धि या कायजनन वेजिटेटिव पार्श्वगामी रिप्रोडक्शन, दूसरा जो होता है वो लैंगिक जनन होता है। आइए वृद्धि या कायजनन इनमें जो होता है ब्रायोफाइट में वृद्धि या कायजनन जो होता है विखंडन जेमा कंद या ट्यूबर उतंत एवं पत्र कलिकाओं के द्वारा होता है। फिर समझिए ब्रायोफाइटा में वृद्धि या कायजनन जो होता है यह विखंडन जेमा कंद ट्यूबर उतंत एवं पत्र कलिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट आइए दूसरा जो है हम लैंगिक बंधन के बारे में जो होता है चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा इनमें जो है ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन जो होता है अंधयुग्मकी कह सकते हैं या विषम युग्मकी वो गैमेट्स होता है। इसमें जो है नर जननांग को पुंधानी एंथ्रेलियन एवं मादा जननांग को स्त्रीधानी आर्किगोनियन जो होते हैं वो कहते हैं आर्किगोनियन कहते हैं। आइए पुंधानी कैसे है ध्यान दीजिएगा ये पुंधानी का स्ट्रक्चर है और जो है ये स्त्रीधानी का स्ट्रक्चर है। ध्यान दीजिएगा इनमें पुंधानी जो होती है बहुकोशीय होती है तथा मुद्र के समान होती है और इसके चारों तरफ जो होता है चोंगा स्तर जैकेट लेयर जो होता पाया जाता है। क्या पाया जाता है जैकेट लेयर पाया जाता है। इसमें जो है चल एवं जो है द्विपक्षानुयुक्ति द्विकशाभीय जो होता है नर युग्मक या जो होता है कुमार एंथ्रोजायस का जो होता है वो निर्माण होता है। नेक्स्ट आइए स्त्रीधानी नंबर दो स्त्रीधानी या आर्किगोनियम तो इसमें ब्रायोफाइट्स में स्त्रीधानी जो होती है ये भी बहुकोशीय होती है यूं क्लास के समान होती है। स्त्रीधानी का चित्र होती कैसी है ये बहुकोशीय यूं क्लास के समान होती है तथा ये भी चारों ओर से जो होती है जैकेट लेयर के द्वारा जो होती है चोलक स्तर के द्वारा जो होती है घिरी होती है और ये तीन भागों में विभक्त होती है। स्टार माने वृंत होता है वृंत दूसरा वेंटर माने अंडधानी और नेक माने जो होता है वो ग्रीवर और जो होती है ये तीन भागों जो है वृंत स्टार्क अंडधानी एवं ग्रीवा नेक में जो होती विभक्त होती है। ध्यान दीजिएगा इसमें जो है मादा युग्मक या अंड कोशिका एक सेल का जो होता है निर्माण होता है। इसमें जो है निषेचन आंतरिक होता है तथा निषेचन के लिए जो होता है जल आवश्यक होता है। इसमें नर एवं मादा युग्मकों के निषेचन के पश्चात जो होता है द्विगुणित युग्मनज या जायगोट बनता है जिससे जो होता है उनका विकास होता है। फिर समझिए जनन में इसमें ब्रायोफाइटा में जनन दो प्रकार का होता है नंबर वन वृद्धि या कायजनन ये जनन जो होता है विखंडन जेमा कंद ट्यूबर उतंत एवं पत्र कलिकाओं के द्वारा होता है। दूसरा जो है लैंगिक जनन इसमें लैंगिक जनन जो होता है विषम युग्मी गैमेट्स टाइप होता है। नेक्स्ट इसमें नर जननांग को जो होता है पुंधानी एंथ्रेलियम एवं मादा जननांग को स्त्रीधानी आर्किगोनियम कहते हैं। आइए नंबर वन पुंधानी इसमें पुंधानी जो होती है बहुकोशीय मुंडक के आकार की होती है तथा चारों इसके चारों जैकेट लेयर के अंदर स्तर जो होता है पाया जाता है और इसमें जो है पुंधानी में चल एवं द्विपक्षानुयुक्त या द्विकशाभीय जो होता है नलयुग्मक या कुमार एंथ्रोजायस का निर्माण होता है। दूसरा स्त्रीधानी या आर्किगोनियम स्त्रीधानी या आर्किगोनियम ध्यान दीजिएगा तो ये स्त्रीधानी बहुकोशीय होती है क्लास के समान होती है तथा इसके चारों तरफ चोलक स्तर जैकेट लेयर जो होता है पाया जाता है और स्त्रीधानी तीन भागों में विभक्त होती है वृंत स्टार्क अंडधानी वेंटर एवं ग्रीवा नेक में जो होती विभक्त होती है। इसमें जो होता है अंडधानी इसमें जो है स्त्रीधानी में मादा युग्मक या अंडकोश का एक सेल का निर्माण होता है। इसमें निषेचन जो होता है ब्रायोफाइट में आंतरिक होता है तथा निषेचन के लिए जो होता है जल आवश्यक होता है। इसमें नर एवं मादा युग्मक के निषेचन के पश्चात द्विगुणित युग्मन या जायगोट बनता है ट्वीन जायगोट बनता है जिससे भ्रूण का जो होता है विकास होता है।
छात्रों अब चलते हैं हम बाघ फाइटर के आर्थिक महत्व के बारे में बताने, क्या क्या इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, क्या क्या आर्थिक महत्व है इसका, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रायोफाइट्स के जो है या ब्रायोफाइटा का निम्नलिखित महत्व है। नंबर वन, मिट्टी के टकराव को रोकने में सहायक। नंबर दो, कृषि में सहायक। नंबर तीन, चारा के रूप में। पांच, चौथा जो है भूमि के निर्माण में। पांचवा, ईंधन या जंतुओं के विषाणु के रूप में। छठा, घाव के ड्रेसिंग में। सातवां, पैकिंग में सहायक। और आठवां, बीज उगाने में सहायक। ध्यान दीजिएगा, ब्रायोफाइट मतलब काई को आप जानते हैं, उनको मांस कहते हैं या काई कहते हैं। तो नंबर वन आते हैं मिट्टी के कटाव को रोकने। ध्यान दीजिएगा, ब्रायोफाइट जो है या ब्रायोफाइट के पौधे या काई समझिए मांस जो होता है ये समूह में होते हैं, इसलिए ये वर्षा से मिट्टी के कटाव को रोकने में ये सहायक। आप देखिए काई जो होती है वो जहाँ पर रुक जाते हैं वहां पर मिट्टी जो होती है वो कटती नहीं है। इस प्रकार ब्रायोफाइट्स जो होते समूह में होते हैं और वो वर्षा से मिट्टी के कटाव को रोकने में जो होते सहायक होते हैं। दूसरा, कृषि में सहायक। कुछ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये चट्टानों को उगते हैं और चट्टानों पर उगकर जो है दूसरे बड़े पौधों को उगाने योग्य जो होते हैं भूमि को जो है तैयार करने में सहायक। जब विलुप्त हो जाते हैं वहां पर वो मिट्टी में बदल जाते हैं। इस प्रकार से वो जो होते हैं दूसरे पौधे के उगाने में युग भूमि तैयार करने में जो होते सहायक होते हैं। तीसरा जो है चारा के रूप में। कुछ ब्रायोफाइट्स को जो होता शाकाहारी स्तनधारियों पक्षियों एवं अन्य जंतुओं के द्वारा जो होता है भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं शाकाहारी कुछ ब्रायोफाइट जैसे शाकाहारी स्तनधारियों पक्षियों एवं अन्य जंतुओं के द्वारा जो होता है इनको भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है भूम के निर्माण में भूम कैसे बनते हैं। ध्यान दें, तालाब में भी काई होती है। तालाब में काई जो होती है वो जब उगती है उतने बाद मृत हो जाती है। मृत होने पर तालाब की तली जो होती है वो एकत्र हो जाती है और सरपंच मिट्टी में जो होती बदल जाती है। इस प्रकार ब्रायोफाइट जैसे मांस जो होते हैं तालाबों में उगती हैं जो मृत होने पर जल के नीचे एकत्र होकर के भूम के निर्माण में जो होते सहायक होते हैं। दूसरा, ईंधन एवं जंतुओं के बिछौने को आप देखते हैं। आपके यहाँ धान होता पुआल होता है तो उसको जंतुओं नीचे बिछाया जाता है और जो होता है उसको ठंडक में जलाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग है। लेकिन जहाँ पर धान के धान नहीं होता है वहाँ ब्रायोफाइट्स में जैसे स्पेक्ट्रम इसके लंबे लंबे धागे जैसे पौधे होते हैं कुछ ब्रायोफाइट जैसे स्पेक्ट्रम को जंतुओं के नीचे बिछाया जाता है बिछौने के रूप में यौन ईंधन के रूप में जो होता प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, घाव के ड्रेसिंग। इसमें स्पेक्ट्रम का सबसे बड़ा जो है महत्व है। इसमें कुछ ब्रायोफाइट जैसे स्पेक्ट्रम को जो होता है घाव के ड्रेसिंग में जो होता उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पैकिंग में सहायक। इसमें पैकिंग में आप देखिए कोई भी पैक फोड़ा जाता है तो उसमें पहले पुआल जैसे जो होता कोई खरपतवार रखा होता था लेकिन अब क्या होता अब जो होता गत्ता आता उसको रखा जाता है। तो इसमें कुछ ब्रायोफाइट जैसे स्पेक्ट्रम में जो होता जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है इसलिए इसे जो होता जैविक पौधों के द्वारा जीवित पौधों को जो चारों से लपेट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तथा सामानों के पैकिंग में जो होता उपयोग किया जाता है। आठवां जो है बीज उगाने में सहायक। आप देखते हैं इस समय जब जो ये नेनुआ तरोई को होना इनके सब जब बीज बो जाते हैं तो ऊपर से पुआल बिछा दिया जाता है या सरपत वगैरह जो होता है वो बिछा दिया जिससे नमी पर जहाँ पर ये चीजें नहीं होती हैं वहाँ पर ब्रायोफाइट जैसे स्पेक्ट्रम को जो होता है बीजों की क्यारियों के ऊपर जो होता है वो बिछा दिया जाता है जिससे बीज के खेत की नमी जो होती है अधिक समय बनी रहती है और बीज उगने में जो होते हैं सहायक होते हैं। इस प्रकार से जो होते हैं मिट्टी के कटाव को रोकने में ब्रायोफाइट्स मतलब कि ये निम्नलिखित महत्व है। नंबर वन, फिर से चलते हैं क्या महत्व है मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक। हमने बताया कि ब्रायोफाइट्स प्रायः समूह में होते हैं इसलिए जो होते हैं मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक होते हैं। दूसरा, कृषि में सहायक। हमने बताया कि ब्रायोफाइट्स कुछ ब्रायोफाइट्स चट्टानों को रोककर दूसरे पौधों को के उगने योग्य भूमि का निर्माण जो होते करते हैं। तीसरा, चारा के रूप में। कुछ ब्रायोफाइट्स को शाकाहारी स्तनधारी पक्षियों एवं अन्य जंतुओं के द्वारा जो होता है भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। चौथा, भूमि के निर्माण में सहायक।
उन्हें बताया कुछ ब्रायोफाइट जैसे काई एनिमास जो है तालाब में जब उगती है तो जब मर जाती है मृत होने पर जल के नीचे एकत्र हो जाती है और मिट्टी में जो होती परिवर्तित हो जाती है। छठा ईंधन एवं जंतुओं के बिछौने को हमने बताया हमारे यहाँ पुआल का उपयोग होता है लेकिन जहाँ पर धान के पुआल नहीं होता वहाँ पर कुछ ब्रायोफाइट जैसे स्ट्रिंग को जंतुओं के नीचे बिछौने योग ईंधन के रूप में यानी जलाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। छठा घाव की ड्रेसिंग में सहायक हमने बताया कुछ ब्रायोफाइट जैसे स्ट्रिंग को घाव के ड्रेसिंग में जो होता है उपयोग किया जाता है। सातवां जो है पैटी में सहायक हमने बताया कि स्टेगनम में जो होता है जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है इसलिए इसे जो होता है जीवित पौधों के चारों तरफ जो होता है लपेट कर पौधों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तथा सामानों के पैकिंग में उपयोग किया जाता है। आठवां जो होता है बीज उगाने में जब हमने बताया कि सब्जियां या बीज जो होते हैं जब उगाए जाते हैं उनकी क्यारियों के ऊपर हमारे यहाँ क्या है पुआल या सरपत बिछाया जाता है लेकिन वहाँ पर जहाँ पर नहीं होता है पुआल वगैरह वहाँ स्पेगनम को बीज के क्यारियों के ऊपर जो होता है बिछा दिया जाता है जिससे क्यारियों की नमी बनी रहती है और बीज जो होता है आसानी से जो होता है उग जाता है। नेक्स्ट आइए अब चलते हैं छात्रों हम जो है ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करने ध्यान दीजिएगा तीन वैज्ञानिक दो वैज्ञानिक कैंपबेल 1940 और स्मिथ 1955 इन दोनों ने ब्रायोफाइटा को तीन वर्गों तीन क्लासों में विभक्त किया। वो क्लास कौन है नंबर वन हेपेटिसी नंबर दो एंथोसेरोटी और नंबर तीन मसाई इस प्रकार से तीन वर्गों में इनको जो है विभक्त किया ब्रायोफाइट्स के जिन्हें वानस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नामक्लेचर 1956 के अनुसार क्रमशः इनको तीन नामों से हिपेटिकोप्सिडा एंथोसेरोटॉप्सिडा यून ब्रायोफाइटा के नाम से जो होता है जाना जाता है। फिर समझिए कैंपबेल 1940 स्मिथ 1955 ने ब्रायोफाइटा को तीन वर्गों में विभक्त किया है वर्ग कौन कौन से हैं नंबर वन हेपेटिसी नंबर दो एंथोसेरोटी नंबर तीन मसाई जिन्हें वानस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नामक्लेचर 1956 के अनुसार क्रमशः ये तीन नामों से हिपेटिकोप्सिडा एंथोसेरोप्सिडा यूम ब्रायोफाइटा के नाम से जो होता है वो जाना जाता है। अब आइए हम चलते हैं क्लास जो है हिपेटिकोप्सिडा या हिपेटिसी के बारे में चर्चा करने ध्यान दीजिएगा इस वर्ग के पौधों को लीवर वर्ड्स कहते हैं क्योंकि इनकी पत्तियां जो होती हैं लीवर के समान होती हैं। दूसरा इनकी पादप शरीर जो होती है हरी होती है जबकि द्विपिष्ठाधारी थैलस या पौधे के रूप में होती है। नंबर तीन इनमें पत्तियों में मध्य शिरा जो होता है वो नहीं होता है। नंबर चार मूलांग इनमें मूलांग एक कोष के सपाट भित्त वाले यौन गुल के माने गांठों वाले होते हैं। नंबर पांच जो है इनमें थैलस के आधा तल पर यानी पौधे के आधा तल पर मूलाभास होते हैं जो भूम से जल एवं खनिजों अवशोषित करने का कार्य करते हैं। छठवां इनमें बीजाणुजनित अवस्था बहुत ही सिंपल होती साधारण होती है इसमें केवल संपुट होता है कभी कभी पार सीता पार सीता एवं संपुट में विभक्त होता है। जानिएगा इसमें संपुट में जो है पारविला का जो होता है अभाव होता है। नेक्स्ट इनमें प्रत्येक कोष का में जो है हरित लवक होते हैं प्रत्येक कोष का में हरित लवक होते हैं लेकिन हरित लवक में प्रबंधक पायरेनॉइड जो होते हैं नहीं होते। फिर समझिए क्लास हिपेटिकोप्सिडा की क्या विशेषताएं हैं। नंबर वन इस वर्ग के पौधों को लीवर वर्ड्स कहते हैं। नंबर दो इनकी पादप शरीर हरी जबकि पृष्ठाधारी थैलस के रूप में होती है। नंबर तीन इनमें पत्तियों में मध्य शिरा जो होता है नहीं होता है। नंबर चार मूलांग एक कोशीय सपाट भित्त वाले एवं गुलकीय होते हैं। नंबर चार पांच इनमें थैलस के आधार तल पर मूलाभास राइजॉइड होते हैं जो खून से जल एवं खनिजों अवशोषित करते हैं। नंबर छह इनमें बीजाणुभित अवस्था बहुत साधारण होती है इसमें केवल एक कैप्सूल या संपुट होता है या कभी कभी बीजाणुभित होती है पाद मानी फूट सीता एवं संपुट में जो होती है ये विभक्त होता है। नेक्स्ट आइए इनमें संपुट में जो होता है कालमेला का जो होता है अभाव होता है। कालमेला क्या होता है संपुट का केंद्रीय भाग होता है। आठवां इनमें जो है प्रत्येक कोशिका में हरित लवक होते हैं अनेक हरित लवक होते हैं जिनमें प्रबंधक पायरेनॉइड जो होते हैं वो नहीं होते हैं एग्जाम्पल में रिक्सिया और जो है मर्टेंसिया। नेक्स्ट आइए नंबर दो क्लास एंथोसेरोप्सिडा
सिरोटॉप्सिडा या एंथोसिरोटी, नंबर दो क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा या एंथोसिरोटी, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? इस वर्ग के पौधों को हार्मर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मर्स कहते हैं। नंबर दो जो है, इनमें पादप शरीर जो होती है हरी चपटी एवं द्विपृष्ठधारी थैलस के रूप में होती है। नंबर दो, इनमें मूलांग एक कोशीय सपाट भित्ति वाले होते हैं अर्थात आयुर्वर्गीय नहीं होते हैं। नंबर तीन, इनमें सर्प जो है अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? सर्प अनुपस्थित होते हैं। नंबर चार जो है, बीजाणुभिद में इनमें बीजाणुभिद में एक पाद होता है तथा लंबा एवं गेलनाकार होता है, संकुट होता है जो श्रृंख के रूप में बाहर निकला होता है। इसीलिए इस वर्ग के पौधों को हार्मस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मस्ट। नंबर पांच जो है, इनमें संपूर्ण में कालो मेला उपस्थित होता है। और नंबर छह, इनमें जो है प्रत्येक कोशिका में दो हरित द्रव्य होते हैं जिनके मध्य में एक प्रबंधक होता है। फिर समझिए क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा के बारे में, इन्हें जो है हार्मस्ट कहते हैं। नंबर दो, इनमें भी पादप शरीर हरी चपटी एवं द्विपृष्ठधारी थैलस के रूप में होती है। नंबर दो, इनमें मूलांग एक कोशीय एवं सपाट भित्ति वाले होते हैं। नंबर तीन, इनमें सर्प अनुपस्थित होते हैं। नंबर चार, इनमें बीजाणु भेद में एक पाद होता है तथा एक लंबा एवं बेलनाकार संकुट होता है जो सिंह या सिंह के रूप में बाहर निकला होता है। इसीलिए इन्हें जो होता है हार्मस जो होता कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें संकुट में कालमेला उपस्थित होता है। नंबर छः, इनमें प्रत्येक कोशिका में दो हरित द्रव्य होते हैं जिनके मध्य में एक प्रबंधक पाइलाय होता है। एग्जाम्पल में एंथोसिरास और जो है नोटोथिलस। छात्रों, अभी हमने बताया था जो है क्लास हिपेटिकोप्सिडा और दूसरा क्लास एंथोसिरोप्सिडा के बारे में अभी बताया, और तीसरा चलते हैं जो है तीसरा क्लास जो है, ये देखिए हमने कुछ ब्रायोसिडा लिखा है, यहाँ लिखा जाएगा तीसरा क्लास जो है ब्रायोसिडा। तीसरा क्लास क्या है? ब्रायोसिडा है। और ध्यान दीजिए इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रायोसिडा के सभी पौधों को मांस कहा जाता है क्योंकि ये समूह के रूप में होते हैं। दूसरा, इनमें गुणबोधभिद अवस्था जो होती है दो अवस्थाओं जो है उत्तंत प्रोटोनिमा यौन युग्मक का गैमेटोफोर में जो होते हैं वो विभक्त होता है। तीसरा, इनमें मूलांग जो है बहुकोशीय यौन साक्षी होते हैं। चौथा, इनमें बीजाणुभिद पाद यानी फूट सीता यौन संपुट में जो है विभक्त होती है। नेक्स्ट जो है, इनमें संपुट में जो है यानी कैप्सूल में कालमेला ये है कालमेला उपस्थित होता है। एग्जाम्पल में फ्यूबिलियस को मांस कहा जाता है। फिर समझिए क्लास ब्रायोसिडा की क्या क्या विशेषताएं। नंबर वन, इस वर्ग के सभी पौधों को मांस कहा जाता है क्योंकि ये समूह के रूप में उगते हैं। दूसरा, इनमें गुणबोधभिद अवस्था जो होती है पुतन यौन जो होता है युग्मकता गैमेटोफोर में विभक्त होती है। तीसरा, इनमें मूलांग बहुकोशीय यौन साक्षी होते हैं। चौथा, इनमें बीजाणुभिद पाद यानी फूट सीता यौन संपुट कैप्सूल में विभक्त होती है। और पांचवा, इनमें संपुट में कालमेला उपस्थित होता है। और एग्जाम्पल में क्यों नहीं है। तो छात्रों, ऑनलाइन क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।